आप सभी प्रेस से जुड़े लोग इसमें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिकाएं निभाते हुए अपने सदस्यों को आप लोगों ने प्रेस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे समाचार और संचार व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही बीच से आप लोगों ने पदाधिकारी बनाए हैं। इसके लिए जो चुने गए वो तो उनको शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ में जिन लोगों ने मतदान किए उनको भी विशेषकर मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था में हिस्सा लेकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। ये शुरुआती दौर है, ये दूसरी बार चुनाव हुआ है, आगे और भी चुनाव होना है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरीके से अपने इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाएं। चूंकि आप सब लोग व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित हैं और आपकी भूमिका समाज के सभी जगहों पर एक अलग भूमिका के साथ खड़ा है। हम लोग सरकार चला रहे हैं लेकिन सरकार से कई चीजें सरकार के नज़र में नहीं आ पाती है, आप लोगों के माध्यम से उसकी जानकारी हम तक पहुंचती है और उस पर सरकार संज्ञान भी लेती है। आपने देखा होगा कि आप लोगों के खबरों के माध्यम से मौजूदा सरकार ने कई छोटे बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया है और ये बहुत कहा जा सकता है कि एक बहुत सकारात्मक विचार को अपनाते हुए अगर हम अपनी अपनी व्यवस्थाओं के प्रति ईमानदारी से काम करें तो हम कई चीजों को बिगड़ने से रोक सकते हैं, खराब होने से रोक सकते हैं। शाम भी अच्छी लगी। आप जो है सत्ता से खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं और अब प्रेस क्लब के पदाधिकारी सदस्य रामगढ़ कहते हैं, हम रांची प्रेस क्लब के पदाधिकारी सदस्य संकल्प लेते हैं कि आप सदस्यों ने मताधिकार का मताधिकार का इस्तेमाल कर हमें जो दायित्व सौंपा है उसका निर्वाह हम पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। हम समवेत रूप से भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हुए रांची प्रेस क्लब को इसके अंगीकृत संविधान की भावना के अनुसार एक आदर्श संस्था के रूप में संचालित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद।